और तुम अगर ये बहाना दो कि गृहस्थ बन करके साधना कैसे हो सकती है, और गृहस्थ बन करके अगर देवता और महादेव बन सकते हैं, इस चुनाव की समस्या झेल करके भी हम एक शिव का रूप धारण कर सकते हैं, गले में हम जहर को पी सकते हैं, उतार सकते हैं, और जिनकी प्रार्थना विष्णु और विश्वामित्र गर्ग और देवता लोग कर सकते हैं, ब्रह्मा कर सकते हैं, तो हम भी शंकराचार्य के शब्दों में हम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है, हम मानव नहीं है, मामूली व्यक्तित्व नहीं है, हमने अपने आप को मामूली व्यक्तित्व समझ लिया है। जिस क्षण हम साधना का एक चिंतन समझ लेंगे, जिस क्षण हम एक विचार समझ लेंगे कि ये साधना है और इन साधनों के माध्यम से हम देवताओं को जुड़ा सकते हैं, देवताओं की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वे तो अपने आप में संपन्न है, लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है, आवश्यकता अगरबत्ती लगाने की नहीं है, दीपक लगाने की नहीं है, आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम दीपावली की रात्रि को सदा दिया लगाते रहे, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे उनके बीच में संबंध बन सके, और वो कम्युनिकेशन बन सकता है, संबंध बन सकता है शब्दों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा कि मंत्र कहीं आकाश से उड़कर के नहीं आए, मंत्र उन तपस्वियों ने अपने जो तेजस्वी पुंज है उन्होंने जो कुछ उत्सर्जित किया, जो साधना के बल पर जो साधनाएं प्राप्त की, उन्होंने उस सारे साधना को एक बीज रूप में, मंत्र रूप में आपको दिया। सारी जीवन की साधनाओं का निचोड़, ये जो मैं ऊपर पेड़ देख रहा हूं उसका लंबा चौड़ा घना, जिसके नीचे 200 आदमी बैठ रहे हैं, ये पेड़ आज मैं देख रहा हूं, आज 10 साल पहले छोटा सा बीज था ये और जमीन में गड़ा हुआ था, उस बीज को देखने के बाद विश्वास नहीं होता था कि ये बीज भी एक दिन इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष बन सकता है। विश्वास हम करते हैं, विश्वास का हमारा आधार नहीं, क्योंकि हम बुद्धि के तर्क पर जिंदा रहते हैं, श्रद्धा के तर्क पर जिंदा नहीं रहते, श्रद्धा और बुद्धि दोनों अलग अलग, जीवन का चिंतन बुद्धिमय होना चाहिए, पर जहां श्रद्धा नहीं है, जब ज्ञान नहीं है, जहां चेतना नहीं है, वहां जीवन की पूर्णता भी नहीं है। इसलिए शब्दों का एक समूह ओम श्रीम 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 कमले कमलालय श्रीधर प्रतिधर या ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र बनाए, वो अपने आप में वैसा बीज की तरह है। हम विश्वास नहीं करते उस बीज मंत्र पर या मंत्र पर, अब मंत्र उस बीज पर विश्वास नहीं करेंगे, बीज की धुन में गाड़ेंगे नहीं, उनको खाद पानी नहीं देंगे, वो विशाल वटवृक्ष नहीं बन सकता, पेड़ नहीं बन सकता, उनके लिए थोड़ा पौधा बनेगा, थोड़ा ऊंचा उठाने की जरूरत है, उनको थोड़ा और ऊंचा उठाएंगे तो पौधा अपने आप में पेड़ बन सकता है। यदि आज आप में श्रद्धा पैदा होती है, यदि आप निश्चय कर लेते हैं कि देवता अपने आप में होते हैं, मंत्र अपने आप में होते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप, मैं कहता हूं कि आप विश्वास करिए कि मंत्र नहीं होते, फिर तो मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आपकी बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन जो तुम तो सोचोगे आप ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, जैसे देवता नहीं होते, नहीं होते, क्योंकि फैशन है, हम आधुनिक हैं, आधुनिक का मीन्स नो फादर नो मदर, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई मुक्त नो गॉड, कोई देवता नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मंदिर नहीं, नहीं ये तो बड़ा आएगा बड़ा आधुनिक, ये पोगा बनती है रोज मंदिर जाता है, इसमें इतने लक्षण नहीं, ये कुछ तर्क नहीं कर सकता, ये रोज मंदिर जाता है, दो घंटे मंदिर जाता है, ये क्या करेगा, पर ये देखो ये कुछ नहीं मानता, हमने परिभाषाएं बदल दी, इसलिए हमने नहीं बदली, उन 300 वर्षों अंग्रेजों के इतिहास ने हमारे माइंड को बदल दिया, उन्होंने एक बात ठोक दी जबकि हमारे मानस में भर दी कि तुम हिंदुत्व नहीं बन सकते, तुम्हें ज्ञान चेतना नहीं है, तुम्हारा देवता कुछ नहीं है, तुम्हारा मंत्र कुछ नहीं है, और जो ये नेगेटिव बात सोचेगा वो एडवांस है। हमारे सारे जितने मिनिस्टर, जितने राज्यसभा के, जितने लोकसभा के जितने हैं, वो सब घर में सब ज्योति बुला के पूछते हैं, वे सब घर में पूजा करते हैं, पर यदि मैं टेलीफोन करूंगी राव साहब क्या समाचार है कि राव साहब बात होंगी, ये कहने में क्या आने में गणपति की पूजा कर रहा हूं क्या बुराई है, ऐसा कहने में बच्चा नहीं मिल जाएंगे, बस प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते कि राव साहब गणपति की पूजा कर रहे हैं, ये तो मैंने अपने आंखों से देखा कि गंदे पूजा कर, उनके घर में पाठ का पूरा गणपति का चित्र है, मूर्ति है, मैंने मंत्र दिया उनको, मगर टेलीफोन करके यदि आप पूछ लें
सांप क्या कर रहे हैं, सांप बाथरूम, और जो सांप बाथरूम में मौत पड़े, जो ये सांप 3 घंटे बाथरूम में रहते हैं। मैं तुम्हें नहीं पता 3 घंटे बाथरूम में क्या करते, मैं तो जाता हूँ 5 मिनट वापस आ जाता, 3 घंटे बैठ नहीं सकता, और मैं जिंदगी बड़ा आदमी बन नहीं सकता जो मैं 3 घंटे बाथरूम में बैठ। आप नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, मेरे पास तो नहीं लिखा होगा 3 घंटे बाथरूम में बैठने का, और या मेरे पास कोई सेक्रेटरी हो, क्योंकि मुझे अगर एडवांस बनना है, मिनिस्टर बनना है, कुछ इतना पुण्य बनना है, तो फिर मुझे बाथरूम संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा। ये हमारी जीवन की विडंबना है, कमी है, ये कमी है कि हम शर्म मरते हैं। हम ये कहते हुए पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हमें शर्म आती, झिझक आती है, संकोच आता है, हमें मंत्र का उच्चार करते हुए मन में विचार आता, फीलिंग आती है कि ये लोग क्या कहेंगे, अखबार वाले क्या सोचेंगे, और हम ऐसा सोचेंगे तो जरूर हमारी पीढ़ी ऐसा ही सोचे। फिर आप ये सोचो कि तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, तुम्हें माता माता पिता थे, मंत्रों के प्रति उनकी आस्था हो, देवताओं के प्रति उनकी रुचि हो, वे आगे जाकर के एक अच्छे व्यक्तित्व बन सके, संभव नहीं हो पाएंगे। आज का बीज बोएंगे आप ही पैदा होगा, आम पैदा नहीं हो सकता, आम पैदा होने के लिए आम का बीज बोना पड़ेगा, उनको वैसे ही खाद पानी देना पड़ेगा। इसलिए मंत्र अपने आप में, मैं भी तुम्हें यही बात कह रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि अगर वैसी है जो मंत्र तो अपने आप में कुछ शब्द है, कुछ अक्षर है, 26 अक्षर है अंग्रेजी के या हिंदी के, 52 अक्षर है, और आई से लगा करके क्षेत्र तक, इनसे उन अक्षरों में से कुछ अक्षर मिलाने से शब्द बनते हैं, और शब्दों को ब्रह्म कहा गया है, शब्दों ब्रह्मा वही शब्द ही ब्रह्म है, जिसके माध्यम से हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि शास्त्रों ने ऐसा कहा है तो ऐसा प्रमाण तो है नहीं हमारे सामने, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा गुरुजी हम कैसे मान लें, आपके कहने से कैसे मान लें, आपने कह दिया आप कह करके चले जाएंगे। ये शब्द मंत्र होते हैं और मंत्रों के माध्यम से देवता प्राप्त होते हैं, आवाज जमीन पर आते हैं। अगर हम सही सही शब्दों में संस्कृत का या सही शब्दों में हम मंत्र का उच्चारण करें, और यदि हमें उच्चारण करना आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो चाहें वह हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुनेंगे जाते हैं। मैंने एक मंत्र बोला है और वो मंत्र है सोलंकी जी इधर आना, सोलंकी जाने, अब इतने ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आपको, मैं इनको परिचित नहीं, मैं तो इनको जानता नहीं, मैंने अनुष्ठान किया ही नहीं सोलंकी जी का, मैं तो मंत्र बोला हूं और मेरा मंत्र बिल्कुल सही है, मंत्र बोला है वो आगे उपस्थित हो गए। इसलिए अगर ये सब मंत्र है और मंत्रों के माध्यम से उनको मैं यहां बुला सकता हूं, तो देवताओं को बुला सकता हूं। मगर ये ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे सोलंकी जी को विश्वास था, श्रद्धा थी कि सोलंकी जी है, और सोलंकी जी को विश्वास था गुरु जी है, इसलिए मैंने आवाज देना, मेरा मंत्र बोलना हुआ उनका यहां आना है। और आपका श्रद्धा और आपका विश्वास देवताओं पर होना चाहिए, देवताओं का आप दो देवताओं का आप विश्वास होना चाहिए, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोले वो नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो काम आपका नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जीवन में न्यूनता रखते ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये मंत्र सही है, प्रमाण है, ये मैंने आपके सामने प्रमाण दिया, और मंत्र के लिए कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत में मंत्र बनते हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, उसमें संस्कृत की परिभाषा थी, इसलिए संस्कृत मंत्र बने। हमारे यहाँ इस एरिए में जिस एरिए में हम बैठे हैं गुरुनाथ का एरिया, तो गुरुनाथ तो एक बार भी संस्कृत का उच्चारण किया ही नहीं, सब सावन मंत्रों के माध्यम से हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में उन शब्दों का उच्चारण किया, और हम विश्वास नहीं करेंगे कि उन मंत्रों के माध्यम से भी कुछ काम हो सकता है। हमारी एक मानस में कंसेप्ट बन गया है कि बस जो संस्कृत में उच्चारण है वही मंत्र है, मंत्र तो बुद्ध ने अपने मंत्र दिए, आज पूरा बौद्ध धर्म उनको संगम शरणम गच्छामि, तमम शरणम गच्छामि, उनके मंत्र ही अलग है, मान स्वामी के मंत्र ही अलग है, शंकराचार्य के मंत्र अलग है, पर गोरखनाथ के भी
मंत्र है अपने आप में अलग है, पूरे हिंदी में है, हिंदी भाषा में लिखे हुए, हिंदी शब्दों में उच्चारण है। इसलिए मंत्र कोई किसी भाषा विशेष में ही बने हो यह आवश्यक नहीं होता। आवश्यकता इस बात की है कि आपका उच्चारण सही हो, आपका कंसेप्ट सही हो, आपकी श्रद्धा सही हो, आपका विश्वास सही हो, आप जिसके साथ अपना तात्पर्य जोड़ना चाहते हैं वो सही हो। वो सही है फिर तीन दिन आपके लिए बहुत है, फिर तो पांच मिनट दो मिनट भी बहुत है। एक राज्यसभा का मेंबर, हम तो एक सामान्य आदमी है, आखिर उनमें कुछ तो विशेषता होगी जो राज्यसभा के मेंबर बने होंगे, कुछ उन्होंने साधना की होगी, एक पॉलिटिकल साधना कि राज्यसभा के मेंबर बने और हमने अगर उनको बुलाया, हमारे सामने खड़ा किया और वे हमारी सहायता करने के लिए खड़े हो गए, तो मारने के लिए आए नहीं, हमें सहयोग देने के लिए खड़े हुए। ठीक उसी प्रकार से यदि हम उसी भाषा में उसी नम्र शब्दों में हम देवताओं को स्तुति करें, प्रार्थना करें, भगवान शिव को प्रार्थना करें, लक्ष्मी को प्रार्थना करें, कम्युनिकेशन बनना चाहिए आपका उनके बीच में, संबंध बनना चाहिए। हमारा संबंध समाप्त हो गया और ये संबंध समझा सकता है केवल गुरु, और गुरु तब समझा सकता है जब आप शिष्य हो। आप शिष्य नहीं है, गुरु आपको समझा ही नहीं सकता। शिष्य का मतलब है नजदीक आने की क्रिया, शिष्य का मतलब कोई आदमी नहीं होता, शिष्य का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, शिष्य का मतलब कि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं देती, शिष्य का मतलब है नजदीक आने, शिष्य नजदीक आने की क्रिया। गुरु के इतने नजदीक आ जाए कि आप गुरु एक हो जाए, गुरु का ज्ञान, गुरु का चिंतन, गुरु की साधना, गुरु के विचार, गुरु की धारणा, आपका धारणा, आपका ज्ञान, आपका चिंतन बन जाए, इतनी श्रद्धा बन जाए आपके उनके बीच में, और उनके पास जो साधना और तपस्या का अंश है वो आपको दे सके, और आप प्राप्त कर सके उसको, उसी रूप में वापस उच्चरित कर सके, उसी रूप में उसको क्रियान्वित कर सके। आज के युग में भी ऐसा संभव है, आज के युग में ही ऐसा संभव है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ज्ञान ऐसे चेतना देने वाला भी तो रहेगा नहीं भी रहेगा, दरवाजे ठोकर मारने वाला कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मालूम किस प्रकार का समय होगा। मगर यदि हम अपने जीवन को इन तीन दिनों को भी और अपने 30 वर्षों को भी यूं ही बिता देंगे तो जैसे सेठ मूल सिंह जी मर गए वैसे आप भी मर जाए, कोई नई बात नहीं, कोई महान उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए श्लोक में जो रुद्रोपनिषद के श्लोक बोला उस रुद्रोपनिषद श्लोक में कहा कि मृत्यु हमारे हाथ में हो और ऐसी मृत्यु हो जो अपने आप में अमृत हो, मर ही नहीं सके, गुरुनाथ मर ही नहीं सकते। आज भी हम गुरुनाथ पिता को नहीं जानते, गुरुनाथ को जानते, हमारा कोई चचेरा भाई नहीं लगता, पर गुरुनाथ का नाम लेते ही हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है, क्योंकि उन्होंने एक अमृत का पान किया है, एक अमृत के रास्ते पर बढ़े, कबीर बढ़े, मीरा बढ़ी, पूर बढ़े, तुलसी बढ़े, वशिष्ठ बढ़े, विश्वामित्र बढ़े, वे बढ़े, उन्होंने एक नया रास्ता बनाया। उस राजभवन से बाहर निकली मीरा और बहुत ठोकरें खाई, बहुत गालियां खाई, बहुत प्रताड़ना सही, बहुत तकलीफें सही, मैं इस साधना का रास्ता था कि मुझे ये रास्ता मेरे तो फिर से गोपाल दूसरे को सही नहीं, दूसरा कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति को, मैं तो वही एक पति, मैं तो उसी को जानती हूँ, मेरा कोई दूसरा मंत्र है नहीं, मीरा ने कोई मंत्र नहीं जपा दी, बस कोई साधना नहीं की, कबीर को कोई मंत्र ज्ञात नहीं था, मगर वे अमरत्व के रास्ते पर चल सके, उनको कोई ठोकर मारने वाला गुरु मिला, उनको चेतना देने वाला सदगुरु मिल सका, उनके जीवन का सौभाग्य था कि उनको ठोकर लगी और वो खड़े हुए बड़े, पर आपके जीवन में कुछ ठोकर लगे, आपके जीवन के अनेक कपाट भी कभी खुले, कभी एहसास हो कि मंत्र भी अपने आप में होते हैं, साधना भी अपने आप में होती है, खाली दिल जब डालने से महारुद्ध नहीं हो जाएगा, या आप भगवान कपड़ा पहनने से भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे तो आप 5,000 बार मुझे मिलेंगे उससे भी कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे, मगर कोई ऐसी जगह हो कि मैं कहूँ और आपके हृदय में चुप जाए, कोई बात कही मीरा की चुप गई, चुप गई नीचे उतर गई, मैं